सोने की थी, जिसकी जंजीर जो थी वह सोने की थी। प्लेस इन आने को मतलब क्या है कि वह एक किताब पर रखी हुई थी, वह एक किताब पर रखी हुई थी। ओपन द विंडो, विंडो मतलब ओपन द विंडो मतलब खिड़की को खोलिए। एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड और अपने हाथ को फैलाइए। अबाउट ए फुट मतलब एक फुट अंदर। एंड यू कैन पिक अप, पिक एक अप और आप तब इसे पिक अप मतलब उठा सकते हैं और तब आप इसे उठा सकते हैं। एवरी वन इज आउट ऑफ लंच, प्रत्येक व्यक्ति जो है जो बाहर के भोजन के लिए बाहर चला गया। नो बॉडी विल नो मतलब कोई भी व्यक्ति नहीं जान पाएगा, कोई भी व्यक्ति जो है नहीं जान पाएगा। शंकु रिमेम्बर्ड, शंकु को याद आने लगी। हिज एफर्ट मतलब उसकी कोशिशें, हिज कावर्डिस मतलब उसकी कायरता। एंड हिज रेजोल्यूशन और उसकी हिचकिचाहट। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डे मतलब पिछले कुछ दिनों के ही हैड नेवर सीन एनी वन देयर एट दैट टाइम मतलब और उस समय वहाँ उसने किसी को भी नहीं देखा। ही हैड नेवर सीन एनी वन देयर दैट टाइम और उस समय वहाँ उसने किसी को नहीं देखा था। एंड येट और फिर भी ही हैड बीन अफ्रेड वह भयभीत था। ही हैड ट्रेम्बल, ट्रेम्बल मतलब होता है कांपना, वह कांप रहा था। एंड फेल्ट ब्रीथलेस और उसकी सांसें जो थी वह तेजी से चल रही थी। दैट इज व्हाई यही कारण था कि हैड डिफरेंट मतलब वह रुक जाता था, यही कारण था कि वह रुक जाता था। फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम मतलब प्रत्येक बार, एवरी टाइम मतलब क्या है कि प्रत्येक बार। टेकिंग द वॉच मतलब घड़ी उठाने में, घड़ी उठाने में। इट वुड नॉट डू टू पुट ऑफ एनी लॉन्गर, एनी लॉन्गर मतलब होता है अधिक समय तक। इट वुड नॉट डू वह इसे अधिक समय तक नहीं कर सकता था। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर वह इसे जो है अधिक समय तक नहीं कर सकता था। इफ ही थॉट एनी फर्दर, इफ ही थॉट एनी फर्दर मतलब अधिक होता है, यदि वह अधिक सोच विचार करता। इफ ही थॉट एनी फर्दर यदि वह अधिक सोच विचार करता, ही वुड नॉट बी एबल तो वह योग्य नहीं होता। नॉट एबल मतलब क्या है कि वह योग्य नहीं होता टू डू एनी थिंग मतलब कुछ भी करने के लिए। टू डू एनी थिंग मतलब क्या है कुछ भी करने के लिए। He might even blurt off his intention accidentally. He might blurt वह इसमें accidentally लिखा है, वह दुर्घटनावश अपने इरादे को भी किसी से बता सकता था। blurt माने कहना हो या बताना, मतलब कि क्या वह दुर्घटनावश अपने इरादे को किसी से बता भी सकता था। So he must take it tomorrow. इसलिए सो मतलब क्या इसलिए कि मस्ट टेक इट टुमारो कल वह इस वस्तु को जरूर ले लेगा, इसलिए कल वह इस वस्तु को जरूर ले लेगा। सपोज ही डिड नॉट मान लो कि वह ऐसा नहीं करता है, सपोज ही डिड नॉट मान लो कि वह ऐसा नहीं करता है। शंकु थॉट, शंकु के विचार, शंकु थॉट मान क्या होता है विचार। शंकु के विचार तो लिंगर ओवर थ्रोनिंग प्रॉब्लम ऑफ हिज लाइफ, लिंगर माने तो मरनाने लगे। तो लिंगर ओवर थ्रोनिंग मतलब कष्टदायी होता प्रॉब्लम की समस्याएं हिज लाइफ मतलब उसके जीवन के, मतलब कि उसके जीवन के कष्टदायी समस्याओं के आसपास जो है मरनाने लगे। द बिगेन टू लिंगर ओवर थ्रोनिंग हिज ऑफ हिज लाइफ मतलब उसके जीवन के कष्टदायी समस्याओं के आसपास जो है मटराने लगे। टुमारो वुड बी द थर्ड डे, टुमारो कल वुड बी द थर्ड डे मतलब तीसरा दिन होगा ऑफ द मंथ मतलब महीने का, कल जो है महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनदर थ्री डेज अगले तीन दिनों में, इन अनदर थ्री डेज अगले तीन दिनों में। ही वुड गेट हिज पे, ही वुड पे माने होता है वेतन, गेट माने प्राप्त होना। ही वुड गेट हिज पे उसे अपना
वेतन मिलेगा। 13 रुपीज फॉर 13 डेज मतलब 13 रुपीज मतलब क्या 13 रुपए फॉर 13 डेज मतलब क्या 13 दिन के। He had to pay 4.5 rupees He had to pay मतलब उसे 4.5 मतलब क्या उसे 4.5 रुपए चुकाने थे। फॉर परचेज एट द स्टोर स्टोर मतलब क्या है कि दुकान से खरीदी गई सामग्री के लिए। परचेज माने क्या होती है खरीदना होता है मतलब दुकान से खरीदी गई सामग्री के लिए। देयर वुड बी ए बैलेंस ऑफ 8.5 8.5 मतलब क्या होता है 8.5। अब उसके पास देयर वुड बी बैलेंस अब उसके पास 8.5 रुपये बचे होंगे। ही हैड रिपेड ओनली 5 out of 10 rupees ये रिपेड मतलब 5 out of 10 rupees मतलब उसने जो है 10 रुपये में से 5 रुपये चुकाया था। उसने जो है 10 रुपये में से जो है वह क्या है कि 5 रुपये चुकाया था। ही हैड ब्रोड फ्रॉम द फंड उसने ही हैड ब्रोड फ्रॉम द फंड जो उसने फंड से उधार लिया था। ब्रोड माने क्या होता है उधार लेना। ही हैड ब्रोड फ्रॉम फंड जो उसने फंड से उधार लिया था। द प्रीवियस मंथ मतलब पिछले महीने टू गो होम फॉर हिज मदर एट एनिवर्सरी एनिवर्सरी मतलब होता है बरसी जब हुआ है अपनी माँ की बरसी पर जा रहा था। द प्रीवियस मंथ मतलब पिछले महीने टू गो होम होम फॉर हिज मदर एट एनिवर्सरी जब वह अपनी माँ की बरसी पर जा रहा था। नो ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपए नहीं उसे 5 रुपए अवश्य जमा करने। नो ही मस्ट पे इज रिमेनिंग 5 रुपए नहीं उसे 5 रुपए अवश्य जमा करने हैं। विद इंटरेस्ट एट 6,000 रुपए ए वीक जिस पर एक हफ्ते में 1 रुपए पर 6 पैसे ब्याज लगता था। विथ इन एंट्रेस्ट एट 6 रुपए ए वीक ए वीक मतलब जिस पर एक हफ्ते में निश्चित ब्याज होता है जिस पर जो एक हफ्ते में 1 रुपये पर 6 पैसे ब्याज लगता था। एट द टी शॉप मतलब क्या चाय की दुकान पर ही ओड ओवर 3 रुपीज वह 3 रुपये से अधिक उधार था। ही ओड माने क्या होता है उधार न कि वह 3 रुपये से अधिक उधार था। फॉर 2 वीक्स मतलब दो हफ्ते का बिसाइड प्रीवियस एरियर इसके अलावा अमाउंट ये 1.5 रुपये मतलब इसके अलावा 1.5 रुपया उसका पिछला बकाया था। इसके अलावा जो 1.5 रुपया उसका पिछला बकाया था। ही ओड 6 रुपये टू अली ही ओड मतलब उसने 6 रुपये मतलब 6 रुपये अली से उठा लिए थे। उसने जो 6 रुपये अली से उठा लिए थे फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस बीडी अदर कोर्स एंड ग्रीन्स मतलब चावल बीड़ी और आदि चीज़ों के लिए वन मंथ ए हाउस रेंट मतलब एक महीने का किराया मतलब कि वन मंथ हाउस रेंट मतलब एक महीने का जो घर का किराया वाज 3 रुपीज मतलब 3 रुपये था। मतलब एक महीने का जो घर का किराया वह कितना था 3 रुपये था। इन एडिशन टू दीज सम्स मतलब दीज सम्स मतलब किसी तरह से धनराशि मतलब इन धनराशियों के अलावा भी इन एडिशन टू दीज सम्स मतलब इन धनराशियों के अलावा भी ही हैड टेकन स्मॉल लोन उसने जो है छोटे छोटे धन जो है उधार लिए थे और 12 पैसे मतलब 12 पैसे 25 पैसे एंड 15 और 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपल मतलब कई लोगों से। फ्रॉम सेवरल पीपल से तात्पर्य क्या है कि कई लोगों से। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी ने हैड रिमाइंडेड मतलब याद दिलाया था ही मतलब उसे और उसकी पत्नी ने जो उसे याद दिलाया था टू डेट बिफोर 2 दिन पहले उसकी पत्नी ने जो उसे 2 दिन पहले याद दिलाया था अबाउट 1 रुपए टू पेड मतलब 1 रुपए टू पेड द फिशरमैन मतलब 1 रुपए मछली वाले को देना था। शंकु मेंटली एडेड शंकु ने
मन ही मन, मेंटली एडेड मतलब क्या है, शंकु ने मन ही मन धन को, पूरे धन को जोड़ लिया। अब तक टोटल अमाउंट मतलब शंकु ने मन ही मन पूरे धन को जोड़ लिया। दैट ही नीडेड, जिसकी उसे आवश्यकता थी। दैट ही नीडेड, जिसकी उसे आवश्यकता थी। व्हाट ही वाज गोइंग टू गेट, व्हाट ही वाज गोइंग टू गेट, व्हाट वाज जस्ट 8.5 रुपीज, 8.5 रुपीज मतलब क्या है, 8.5। उसको केवल 8.5 रुपये मिलने वाले थे, उसको केवल जो 8.5 रुपये मिलने वाले थे। उसको केवल 8.5 रुपये मिलने वाले थे। व्हाट ही ओन्ड वाज 22.13 रुपीज, उस पर 22 मतलब कि 22.13 रुपये का कर्ज था। व्हाट ही हैड वाज 22.30 रुपीज, मतलब उसे 22.13 रुपये का कर्ज था। ही हैड अदर नीड्स टू, मतलब उसकी अन्य दूसरी नीड्स मतलब क्या होता है, आवश्यकताएँ, उसकी अन्य दूसरी आवश्यकताएँ भी थी। ही हैड ब्रोड 3 रुपीज, ही हैड ब्रोड मतलब क्या होता है, उधार लेना 3 रुपये फ्रॉम हिज वाइफ, मतलब उसने अपनी पत्नी से भी 3 रुपये उधार लिया था, उसने अपनी पत्नी से भी 3 रुपये उधार लिया था। दिस वॉज आउट ऑफ सम, दिस वॉज आउट ऑफ सम, यह उस रकम में से था। सी हैड स्लोली सेव्ड अप, जो वह इधर उधर से बचाकर रखी थी। देन ताकि इन ऑर्डर टू बाई बेस्ट चैन चैन फॉर द यंगर चाइल्ड, ताकि वह अपने बच्चे के लिए, फॉर द यंगर चाइल्ड ताकि वह अपने बच्चे के लिए कमर में बांधने वाली जो जंजीर को खरीद सके। ही हैड एजूड, एजूड माने होता है वादा करना। ही हैड एजूड मतलब उसने वादा किया था, उस एजूड हैड खर्चा उसकी पत्नी से, मतलब उसने अपनी पत्नी से वादा किया था। ही वुड बाय इट, इट ऑफ इन दैट मैन, कि वह कर्तन खरीद देगा उस महीने के वेतन से, वह जो कर्तन खरीद देगा उस महीने के वेतन से। शंकु हर्ट, शंकु का हृदय बीट अनकंट्रोल, लिखा है फास्ट, तो शंकु का हृदय जो है अनियंत्रित, अनकंट्रोल क्या है, अनियंत्रित, शंकु का हृदय जो है अनियंत्रित रूप से तेजी से धड़कने लगा। थ्रो हिज हार्ट बीट मतलब अपनी धड़कनों के बीच, थ्रो हिज हार्ट बीट मतलब क्या, अपनी धड़कनों के बीच, ही कुड हियर द हार्स वॉइस, मतलब कि उसे कर्कश ध्वन सुनाई देने लगी। हार्स वॉइस मतलब क्या होता है, कर्कश ध्वन, उसे कर्कश ध्वन सुनाई देने लगी। आप दैट बी सॉ कूनर मतलब चाय वाले चुन्नी का, चाय वाले चुन्नी का। अली हॉल ऑफ लाफ्टर, अली की खोखली हंसी। एंड वल्गर वर्ड्स और बेहूदी और भद्दी गालियाँ, वल्गर वर्ड्स मतलब क्या है, भद्दी गालियाँ। एंड इरिटेटिंग टॉक ऑफ नको और क्रोधित बातचीत, बातचीत हुआ इंचार्ज ऑफ द फंड मतलब और क्रोधित बातचीत फंड के इंचार्ज, इंचार्ज लोनपन की। ही फेल्ड उसे लगा, ही फेल्ड उसे लगा दैट द वेयर ऑफ सराउंडिंग, कि वे लोग उसे मतलब कि घेरे हुए हैं। लाइक राउडी बॉयज मतलब कि शरारती लड़कों की तरह, उसे लगा कि वे लोग उसे जो है शरारती लड़कों की तरह घेरे हुए हैं। आर्म विथ स्टिक मतलब हाथों में लाठियां लेकर, आर्म विथ स्टिक मतलब क्या कि हाथों में लाठियां लेकर। गैदरिंग अराउंड स्टेट डॉग आवारा कुत्तों की तरह, मतलब गैदरिंग अराउंड स्टेट डॉग मतलब क्या है, आवारा कुत्तों की तरह। व्हाट ए हॉरिबल सीन मतलब कितना भयानक दृश्य था, हॉरिबल सीन से तात्पर्य भयानक और सीन मतलब दृश्य। व्हाट ए हॉरिबल सीन कितना भयानक दृश्य था, दृश्य था। फाइंडिंग इट अनग्रेवर मतलब इन सब को असहनीय पाकर, इन सबको जो असहनीय असहनीय पाकर, शंकु टर्न ओवर हिज स्टोमेज, शंकु करवट लेकर पेट के बल लेट गया। एंड थॉट और सोचा, आई हैव नो अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव मेरे पास कोई चारा नहीं है,
अल्टरनेटिव मतलब क्या है, कोई चारा मेरे पास कोई चारा नहीं है, बट वी क्रिएट अ टुमारो, मतलब कल इसे उठा देने के अलावा, कल जो इसे उठा देने के अलावा, विल इट नॉट फेच एट लीस्ट 20, क्या इससे कम से कम 20 रुपये नहीं मिल जाएंगे, विल इट नॉट फेच एट लीस्ट 20, क्या इससे कम से कम 20 रुपये नहीं मिल जाएंगे, इवन 15 विल डू, मतलब केवल 15 से भी काम चल जाएगा, 15 विल डू मतलब केवल 15 से भी काम चल जाएगा, 15 प्लस 8 एंड हाफ 15 और 8.5 रुपया मिलाकर इस 23 एंड हाफ रुपये, मतलब क्या है कि 23.5 रुपये होते हैं, 23.5 रुपये होते हैं, इट विल फिट मोर देन 15, मतलब ये 15 रुपये से अधिक होगा, इट विल फिट मोर देन 15 या 15 रुपये से अधिक होगा, ही वुड बी एबल टू पे हिज डेबिट्स, डेबिट्स माने क्या होता है कर्ज, वह अपना कर्ज चुकाने और एंड लिव इन पीस और शांतिपूर्वक जीवन बिताने के योग्य हो जाएगा, मतलब वह अपना कर्ज चुकाने और शांतिपूर्वक जीवन बिताने के योग्य हो जाएगा, इन लाइफ फ्री फ्रॉम डेबिट्स, एक कर्ज मुक्त जीवन, इन लाइफ फ्री फ्रॉम डेबिट्स मतलब क्या है कि एक कर्ज मुक्त जीवन, कर्ज मुक्त जीवन विद ए फीलिंग ऑफ रिलीफ, मतलब कि चैन की सांस लेते हुए, इट रिफर्ड टू ए लाइट स्लीप, मतलब कि आराम की भावना से, विद फीलिंग रिलीफ मतलब क्या है कि आराम की भावना से, इट रिफर्ड टू इनटू ए लाइट स्लीप, आराम की भावना के साथ मैं नींद में सो गया, इट वाज मॉर्निंग मतलब सुबह हो गई, इट वाज मॉर्निंग मतलब क्या हो गई, सुबह हो गई, बस आज हम यहाँ तक देखेंगे और इसके आगे जो है कल जो हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। थैंक यू।